लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल से धोएं अपने बाल, गर्मियों में दूर होगी बालों की ये समस्याएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजाने जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बाजार में मिलने वाले शैम्पू का लगातार इस्तेमाल करने के बजाय कभी कभी नेचुरल हेयर तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों पर केवल शैम्पू लगाते रहने से बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में आप कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल से बने हेयर रिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों के लिए नेचुरल उत्पादों का इस्तेमाल करने से बालों में चमक बनी रहती है और बाल जल्दी ड्राई होकर के टूटते नहीं हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपके बालों के लिए कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल से हेयर रिंग्स को बनाने का तरीका और उसके फायदे। तो बालों के लिए कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल के फायदे। कोकोनट मिल्क में प्राकृतिक फैटी एसिड होता है जो बालों को गहराई से नमी देता है और बालों को मुलायम और शाइनी बनाता है। कोकोनट मिल्क में प्रोटीन होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और टूटने से बचाता है। कोकोनट मिल्क एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं जो डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है। एलोवेरा जेल बालों को हाइड्रेट करता है और एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। एलोवेरा जेल की मदद से आप सिल्की और स्मूथ बाल होते हैं। एलोवेरा में प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं जो डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं और बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल से बनाए रिंस। एलोवेरा जेल तैयार करें। ताजा एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलोवेरा के पत्ते को काटें और उसमें से जेल निकाल लें। जेल को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई गाढ़ापन ना रहे। कोकोनट मिल्क तैयार करें। अगर आप ताजा कोकोनट मिल्क बना रहे हैं तो एक ताजा नारियल का सफेद भाग कद्दूकस करें। कद्दूकस किए हुए नारियल को पानी में 10 से 15 मिनट तक भिगोएं, फिर इस मिक्सर को अच्छी तरह से पीस लें। इस मिश्रण को एक छलनी से छानकर कोकोनट मिल्क निकालें। हेयर रिंस तैयार करें। एक बर्तन में कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल को मिलाएं, अच्छे से मिक्स करें ताकि दोनों सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं। अगर आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें 4-5 बूंदें मिलाएं और फिर अच्छे से मिक्स करें। हेयर रिंस का इस्तेमाल कैसे करें। बालों को सामान्य शैम्पू से धो लें। इसके बाद बालों पर कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल का यह मिश्रण डालें। इसे अपने स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह से मसाज करें। लगभग 10 मिनट के लिए इसे बालों पर लगा रहने दें। मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से बालों को अच्छी तरह से धो लें। इस हेयर रिंस को हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजे कोकोनट मिल्क और एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इस हेयर रिंस को बनाकर तुरंत इस्तेमाल करें ताकि इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्वों का पूरा फायदा मिल सके। ये हेयर रिंस आपके बालों को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाने में मदद करेंगे। रिंस तैयार है, अब इसे बालों को पर इस्तेमाल करें। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने।
धन्यवाद।